नमस्कार, मैं प्राध्यापक प्रदीप इजारदार। हम आप तीसरे वीडियो में देखेंगे नाखून के उबड़ते हैं तीसरा पाठ, आचार्य हाजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ, मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किसी किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बनाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र बढ़ाने की और या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया हो, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यहाँ अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा हमी माँ मही और संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। समझ में आया बच्चों, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, उसमें संयम है, दूसरे के लिए सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है ना। और इसीलिए हमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि अभी इस समय तो हमें नाखून की ज़रूरत नहीं है। नाखून बढ़ाना मतलब पशुता को न्योता देना ही है, तो इसलिए हमें नाखून अभी तो फिलहाल बढ़ते हैं, लेकिन उसे काटना ज़रूरी होता है। साइंटिफिकली रीज़न, अगर हमने नाखून नहीं काटे तो नाखून के अंदर मैला सब जमा हो जाएगा और बीमारी को आमंत्रण दिया जाएगा, इसलिए नाखून को बढ़ना उचित नहीं है। यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ में समझाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों हमले अगले वीडियोस में, जो वीडियो हमें चौथे नंबर का है, तीसरे नंबर के वीडियोस में हम मिलेंगे। देखते हैं तीसरे नंबर के वीडियोस में हम क्या लेते हैं, तब तक के लिए यहाँ पर विश्राम करते हैं। ओके, बाय।